हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अक्षय विश्वनाथ और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छी खबर जिसका नाम है रॉक रोज। ये बैच फ्लावर मेडिसिन है और डॉक्टर बैच थे जिन्होंने ये मेडिसिन प्रिपेयर किया था और इसे होम्योपैथी की तरफ प्रिपेयर किया है। तो ये जो रॉक रोज मेडिसिन है ये फूलों से प्रिपेयर होता है और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। और ये डर की मेडिसिन है, जो भी डर फियर टेरर की दवाई होती है उसमें से एक ग्रुप है। जैसे बैच फ्लावर में 7 ग्रुप से उसमें से एक है डर का ग्रुप, तो उसमें से एक दवाई है। तो इसमें जब आता है एस्पेन आता है, मैमुलस आता है, चेरी पेलम आता है, रॉकरोज आता है और रेड चेस्टनट भी आता है। तो ये जो मेडिसिन है डर के लिए बहुत अच्छी दवाई है, और डर रहता है फियर रहता है इसके लिए बहुत अच्छी दवा है। और ये एंजाइटी के लिए बहुत अच्छी दवाई है, और उसके साथ में पैनिक अटैक आता है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। और ये अपने लाइफ में संकट आ गया, बहुत सारे संकट आ गया और उसके वजह से डर बैठ गया, ऐसा अगर सिचुएशन है तो उसके लिए बहुत दवाई है। पैनिक अटैक्स हो रहे उसके लिए भी बहुत आ रहा है, कोई भी सीरियस कंडीशन हो गई उसमें पैनिक अटैक आ जाता है, ऐसे अगर सिम्टम है उसके लिए बहुत अच्छे थे। बहुत ज्यादा दहशत में है कोई कंडीशन के वजह तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। घबराहट हो रही है, कोई कहीं बाहर जा रहे तो उसके लिए भी डर बैठ गया है, तो ऐसी सिचुएशन है इसके लिए बहुत अच्छी दवा है। अभी हाल ही में एक पेशेंट आया था तो उसने देखा था कि अपने फादर का डेथ हो गया, दो लोग जा रहे थे अपने दो अलग अलग गाड़ियों से, तो उनके सामने उनके फादर का डेथ हो गया। तो उनके बेटी के इसमें इतना डर और ये हो गया कि उनके फादर का उनके सामने एक्सीडेंट हो गया, उनमें डेथ हो गई और वो घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। बहुत से मेडिसिन साइकेट्रिस्ट के पास भी जाने के बाद भी कम नहीं हुआ। मैंने ये दवाई दिया रॉकरोज, कुछ दिन के बाद उसको नॉर्मली फील हो गया और वो बहुत अच्छे से अभी वो जा रहे, अभी कहीं पे जा रहे, बाहर भी कुछ काम कर रहे, तो ये होता है। और इसके वजह से ये डर के वजह से ये कोई काम भी कर नहीं सकते, अपना जो डेली रूटीन का काम है वो भी नहीं कर सकते, इतना उनमें डर टियर ये बैठ जाता है। रात के समय में अगर कहीं रात के समय में अभी कई सपने भी देख रहे तो उसमें वजह से भी उनको डर बैठ जाता है। कोई भी बुरी घटना हो गई उसके वजह से उनमें डर बैठ जाता है, ऐसे अगर सिचुएशन है उसके लिए बहुत अच्छी दवाई। फियर के लिए बहुत अच्छी दवाई है, जो भी फियर होता है बहुत ज्यादा होता है रॉकरोज में। अपनी साथ जो भी चीजें होती है उसके वजह से भी उसको डर लग जाता है और वो अपने चीजें कुछ मैनेज नहीं करता, डेली रूटीन की जो भी चीजें हो मैनेज नहीं कर पाता है, उसके लिए बहुत अच्छी दवाई। सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है उसमें, सोचने की समझने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सोचता रहता है कुछ ना भी कुछ ये माइंड में सोचता रहता है, अगर ऐसी सिचुएशन है उसके लिए बहुत अच्छी है। तो आपको इसको कैसा लेना है, 20-20 ड्रॉप्स लेना है, नहीं तो आपको इसके ग्लोबल्स में भी 4 या 5 ग्लोबल्स सुबह शाम में कुछ दिन तक लेते हैं, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, आप इसे ले सकते हैं। और कोई भी मेडिसिन चल रहा है उसके साथ भी आप इसे ले सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, होम्योपैथी की तरफ प्रिपेयर है और बहुत अच्छी दवा है। डॉक्टर बैच ने थे जैसा बायोकेमी के ग्रुप है उसके ऐसा ही होम्योपैथी का ये ग्रुप है बैच फ्लावर का, उसी के तरह होम्योपैथी की तरह प्रिपेयर किया है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जैसे जैसे नए वीडियोज आते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।